नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टेडी लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आप सबके लिए एक सुनता अवसर है। अब आप सभी अपने मैथ्स और रीजनिंग के तमाम डाउट्स हम तक भेज सकते हैं, हम उसे सॉल्व करने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो चलिए आज के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, यदि पहली अक्टूबर को रविवार हो तो पहली नवम्बर को होगा। यदि पहली जो अक्टूबर है उसको अगर दिन रविवार पड़ता है तो पहली नवंबर को, मतलब नवंबर की 1 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं। पहली अक्टूबर कौन सा दिन था? रविवार। यहाँ पे लिख लेते हैं हम रविवार। उसके बाद क्या पूछ रहा है? पहली नवंबर मतलब नवंबर का पहला तारीख, पहली नवंबर, ये दिन हमें पता निकालना है। अब देखते हैं हम, ये अक्टूबर है और नवंबर है, मतलब अक्टूबर और पहली अक्टूबर और पहली नवंबर के बीच कितने का डिफरेंस है, ये हम निकाल लेते हैं। तो अक्टूबर कितने दिन का होता है? यहाँ से हम देखते हैं अक्टूबर कितने दिन का होता है, तो अक्टूबर होता है 31 का। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या, 31। ये हुआ हमारा 31। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर होता है हमारा 31 दिनों का। अब पहली अक्टूबर को कौन सा दिन था? रविवार था। पहली अक्टूबर को था हमारा रविवार। और पूछा गया है क्या, पहली नवंबर। अब हम क्या करेंगे, अक्टूबर 31 अक्टूबर में से एक घटा देंगे, क्योंकि पहली अक्टूबर का हमें दिया गया है, इसीलिए हम एक को क्या करेंगे, घटा देते हैं। कितना आएगा, 31 में से एक घटाएंगे तो आएगा 30। अब 30 में से क्या करेंगे हम, पहली नवंबर, मतलब 30 में से एक को हम जोड़ देंगे। ये हो गया नवंबर। कैसे हुआ, अक्टूबर में होते हैं 31 दिन। अब 31 में से एक हमने क्यों घटाया, क्योंकि पहली अक्टूबर, तो उसको हमें निकाल देना है। अब उसके बाद पहली नवंबर को हमें क्या कर देना है, इसमें जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा, 30 धन 1। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहली अक्टूबर से सीधा, पहली अक्टूबर मतलब अक्टूबर में होते हैं 31 दिन, अब इधर से हम करेंगे 30 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 31। अब 31 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 7 से। 7 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, इसीलिए 7 से हम हमेशा कैलेंडर वाले प्रश्नों को 7 से ही डिवाइड किया जाता है। और जब भी डिवाइड करते हैं तो हमें भागफल से कोई काम नहीं होता, ना भाज्य से होता है ना भागफल से होता है, हमें काम होता है सिर्फ शेषफल से। अब 31 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 7 चौक 28 जाएगा। उसके बाद 29, 30 और 31, कितना बचा, 3 बचा हमारा शेषफल। और यही शेषफल से हमें क्या है, काम है। अब रविवार के बाद 3 दिन हमें आगे बढ़ना है, रविवार के बाद ये 1, ये 2 और ये 3। तो रविवार के बाद होगा सोमवार, ये होगा मंगलवार, और तीसरा दिन होगा कौन सा हमारा, बुधवार। तो अगर पहली अक्टूबर को रविवार है तो पहली नवंबर को कौन सा दिन पड़ेगा, दिन पड़ेगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, बुधवार। तो कैलेंडर के प्रश्नों को बनाने का ट्रिक अगर आप समझ गए तो आप प्रश्नों को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। आपको बस डिफरेंस निकालना है कि कितने दिन का है, कितने माह का है और कौन से माह में कितने दिन होते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। मैंने इसकी वीडियो आप बनाई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख भी सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।